जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, खरीदारी भी शुरू हो चुकी थी। परीक्षा देकर घर लौटते समय दुल्हन को सड़क घटना के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला झारखंड के पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ पर अनिता कुमारी 21 वर्षीय की घर वालों ने 2 महीने बाद शादी तय कर दी थी। इस शादी में पूरा परिवार खुश था, लेकिन अनिता के मन में यह था कि वह पूरी साथ पढ़ाई कर ले और इसके बाद वह शादी करेगी। जनता शिवरात्रि कॉलोनी में अनिता का परीक्षा सेंटर था और हर दिन वह उसे उसका भाई लाता था और छोड़कर जाता था। अनिता की परीक्षा भी ठीक चल रही थी और दूसरी पारी में 5:30 बजे परीक्षा समाप्त हुई तो हमेशा की तरह बड़ा भाई अनिता को मोटरसाइकिल से अपने घर के लिए लौट रहा था। कॉलेज से अभी तक वह चौराहे के पास तक नहीं पहुंचा था, लेकिन पिकअप वन ने उनकी मोटरसाइकिल को आमने सामने से भिड़ंत कर दी थी, जिसके दौरान दुल्हन अनिता को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उसके भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इसी दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद मौका मुआयने किया है और सदर थाने के हॉस्पिटल में मेडिकल से पीएम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि घर के साथ पूरे गांव में शादी के बीच में ही गम का माहौल बन गया है, जिसके दौरान अब पूरी जांच पड़ताल के दौरान वैन के ड्राइवर की तलाश की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक से कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।